हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लीडरशिप। ये वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने रिस्टोरेशन प्रोसेस कैसे किया। इसमें छोटे छोटे क्लिप्स है, तो आपको कुछ टिप्स मिलेंगे, यूजफुल गाइडेंस मिलेगा कि आप अपना यामा RX 100 का रिस्टोरेशन कैसे प्लान करें। सो गाइस, वीडियो एंड तक देखना जरूर, कंप्लीट देखना, सो बहुत आपको यूजफुल होने वाला है। पहले मैंने गराज ढूंढा, नियर बाय गराज। नियर बाय गराज ढूंढने में एक कारण था कि मैं उधर जाके चेक कर लूँ कि कैसे काम हो रहा है। बहुत घूमने के बाद मेरे को ये एक गराज मिला जो मेरे घर के पास में था, तो मैंने शॉर्टलिस्ट किया कि यहाँ से काम करना है। आप देख सकते हो ये बाइक कितनी पथेटिक कंडीशन में थी और कैसी हो गई। शायद किसी ने अब मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा रहेगा जिसमें मेरी अभी की कंडीशन बाइक की है, तो प्लीज जाके देखो उसे। उसमें भी आपको टिप्स मिलेंगे कि कैसे मैंने रिस्टोरेशन किया है बाइक का, फ्रॉम दिस टू डैट। और पूरा रस्ट था, पूरा रस्ट, पूरे मतलब क्या बोलूँ मैं, वायरिंग्स भी खराब थी, उसना मड गार्ड्स, स्पोक्स, एवरीथिंग वाज रस्टेड। इंजन के यहाँ से थोड़ा लीकेज था, तो सब चीज़ मैंने ठीक की है। अभी कंडीशन बहुत अच्छा है बाइक का, थैंकफुली। इनिशियल प्रोसेस स्टार्ट हो गया था बाइक का, सारे पार्ट्स डिसमेंटल करने का। सो सारे पार्ट्स डिसमेंटल होने के बाद उसको मैंने सेग्रीगेट किया, थोड़ा पेंट करने के पार्ट साइड में, क्रोमिंग करने के पार्ट साइड में, और क्या क्या काम निकल रहा है वो अपने को एक अंदाज़ा आता है डिसमेंटल होने के बाद, कौन से पार्ट्स चाहिए। तो वो एक लिस्ट बना ली कि कौन से पार्ट्स चाहिए अपने को। जैसा कि आप मेरे पहले वीडियो में देखोगे कि क्या क्या पार्ट्स मैंने लाए जो हैंडी गिर जाते हैं, जैसे कि नट्स, बोल्ट्स, रबर पैकिंग्स एक्सेट्रा, तो वो इसी के बाद अपने को पता चलता है। तो ये अभी चेसी निकल गई है, सारे पार्ट्स डिसमेंटल हो गए हैं, तो ये चेसी निकल के जाएगी अभी डीरस्टिंग पेंटिंग के लिए। जो पिन होल्स रहेंगे उसको वेल्ड मार के भर देंगे। और मैकेनिक अपना काम उसका चालू था, क्लीनिंग करना, डीरस्ट करना, पेंटिंग करना, उसका काम चालू रखा था साइमल्टेनियसली। और मैं अपना क्रोमिंग के पार्ट्स जो सेपरेट किए थे वो लेके गया वर्कशॉप में निकल क्रोमिंग करने के लिए। और ये है वो वर्कशॉप, देखो मैंने सारे सेपरेटेड पार्ट्स रखे हैं बॉक्स में। ये है छोटा सा वर्कशॉप, मेरे को बहुत मुश्किल से मिला इसका एड्रेस, एंड ये बंदे ने रियली एक बहुत अच्छा काम किया है निकल क्रोमिंग का। हाउ ब्यूटिफुल द जॉब इज बीन डन। ये देखो पूरा साइलेंसर से लेके इंडिकेटर्स एंड ब्रेक, गियर, किक, फ्यूल का वो जो कवर है टैंक का। सो इससे मेरे काफ़ी पैसे नए चीज़ लेने से बच गए। ये कुछ मेरे को 1800 2000 रुपये के अराउंड, 1800 to 2000 रुपीज़ कॉस्ट हुआ, और बहुत ही अच्छा काम किया है वर्कशॉप ने। तो मेरी अभी चेसी पेंट हो चुकी थी, क्रोमिंग पार्ट्स हो चुके थे, पार्ट्स का फिट करना, फिटिंग चालू हुआ था काम। जैसे आप देख रहे हो वो टूटी ऑयल का कैन मैंने नया लाया है, शॉकअप्स नए डाले हैं, चेसी इज ब्यूटिफुली पेंटेड एंड इट्स शाइनिंग। काफ़ी अच्छा काम हुआ था बाइक का, आई वॉज फुल सेटिस्फाइड। यह द इंजन इज बिन फिटेड एंड जैसा पीछे का टायर। हाँ एक चीज़ और, ये जो स्पोक्स भी थे,
आगे पीछे के वो मैंने नए डाले है, वो भी एक शॉप से लाया है, तो इट वॉज क्रोम्ड व्हेन आई ब्रॉट इट, सो बहुत ही अच्छे है स्पोक्स ये भी। सो अभी बाइक का सारा काम ऑलमोस्ट हो चुका था। एंड देख सकते हो आप द हैप्पीनेस ऑन माई फेस, द स्माइल्स इज इट ऑल टू ओन दिस RX 100। दिस रेडियो वर्क डन बाय दिस गाय वाज जस्ट सो फैंटास्टिक। बाइक को एक मस्त लुक आ गया था इससे। सी हाउ नाइसली इज डूइंग इट, फैंटास्टिक जॉब, फैंटास्टिक। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट बाइक, और इसकी आप आवाज़ सुनो, दी ओरिजिनल यामा RX 100 1986 मॉडल, इट रोर्स। Here is the final curtain raiser, final look of my bike. It's really looking so good, बहुत अच्छा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे को ज़रूर बताएं कमेंट्स में। प्लीज़ गिव अ लाइक, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स एनी थिंग यू वॉन्ट, आई विल बी रेडी टू हेल्प यू। So yeah, Sailor Said signing out. See you soon in my next video. Bye bye. Take care.